करते हैं। अरे वाह गाइस, लाइफ में पहली बार मैं किसी टेंट के अंदर, मतलब कैंपिंग टेंट के अंदर लेटा हूँ। इसमें बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब मैंने सब कुछ घूम लिया फ्री में यहाँ पर। तो गाइस ये पिलो लग गया है, आराम से सो जाओ एक दो घंटे, कुछ पता ही नहीं। तो गाइस सो जाता हूँ। अरे नहीं, और चीज़ें घूमते हैं, बहुत चीज़ें हैं, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। लेकिन मुझे पता नहीं था इतनी अच्छी चीज़ें इसके अंदर मुझे फ्री में देखने को मिल जाएंगी, वरना मैं और जगहों से ज़्यादा यहीं पर आता। तो भी बाहर चलते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस मैं लगभग 9:30 बजे उठ गया था, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 11:27, काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि मैंने नहाना धोना सारी चीज़ें जो करनी थी सो कर ली हैं। अभी मैं सिर्फ खाना पीना कुछ खा लेता हूँ। तो खाना पीना हो गया गाइस, बाहर का वेदर एक बार देख लेते हैं, आपको भी दिखा देता हूँ। वेदर तो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है गाइस, ठंडा ठंडा, कोई ज़्यादा धूप नहीं हो रही है। तो कहीं जाने का मन होगा तो फिर कहीं पर भी जा सकता हूँ। वेदर तो ठीक हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर मैं पहले रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर यहाँ से कुछ सोचता हूँ कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन रूम में मेरा मन नहीं लगता, बोरिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो अभी थोड़ी देर में फिर कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकल जाऊँगा बाहर, या तो लोकल मार्केट घूम लूँगा या कहीं पर भी जो भी मतलब जगह मिल जाएगी सही सुथी। तो फिलहाल गाइस बाहर चलते हैं और टाइम से घूम कर वापस आना है, फिर यहाँ से निकलना है नैनीताल के लिए। तो अभी निकलता हूँ मैं पहले बाहर, शूज़ पहन लेता हूँ, शूज़ नहीं पहने मैंने अभी, और कुछ ड्यू वगैरह लगा लेता हूँ, ड्यू नहीं रखा है अभी वापस, फिर पैकिंग भी करनी है, ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं। तो ड्यू वगैरह भी सब लग गया गाइस, अभी शूज़ पहन लेता हूँ। तो गाइस मैंने शूज़ भी पहन लिया और डायमंड का नेकलेस भी पहन लिया है और ऊपर हेयर बैंड लगा लिया है। तो अब निकलते हैं यहाँ से, लाइट बंद कर देता हूँ और चाबी लेकर के रूम लॉक कर देता हूँ। तो फाइनली गाइस मैं आ गया हूँ बाहर, और अभी बाहर का माहौल बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि वेदर बहुत सही है। धूप तो हो रही है लेकिन ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है कहीं कहीं पर। अच्छा याद आया मुझे आईफोन 14 भी आ गया है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको देख लूँ, कम से कम जाकर पता कर लूँ रेट प्राइस ये वो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर फीचर्स वगैरह उसको समझता हूँ, क्योंकि सोच रहा हूँ फ़ोन चेंज करके उससे ब्लॉगिंग करूँगा। तो उसको देखता हूँ आज जा करके, पास में आई क्रस्ट स्टोर भी है। वैसे भी मैंने लगभग ऑलमोस्ट जो आसपास का एरिया था वो सब घूम ही लिया है, तो कुछ नॉलेज भी मिल जाएगा और फ़ोन में क्या फ़ीचर्स नए हैं, क्या प्राइस है, वो सारी चीज़ें भी मैं देख लूँगा। तो अभी मैं आईफोन 14 देख करके आता हूँ आई क्रस्ट पर जाकर। आई क्रस्ट एप्पल स्टोर पास में ही है तो वहीं चल रहे हैं। तो भाई जस्ट मेरे पीछे एप्पल स्टोर है, अभी चलते हैं अंदर और यहाँ पर आईफोन 14 की क्वेरी करते हैं, क्या है क्या नहीं है उसका, सारी चीज़ों का जो भी प्रोसीजर है उसको पूछते हैं। तो गाइस बैड न्यूज़ ये है कि अभी एप्पल स्टोर में नहीं आया फ़ोन, वो कह रहे हैं प्री बुकिंग चल रही है, तो आप प्री बुकिंग करेंगे तभी आपको मिलेगा अभी। तो अब जब आ जाएगा स्टोर में तब देखेंगे, फिलहाल मैं बाहर आ गया हूँ अभी और यहाँ बैठ जाता हूँ थोड़ी देर। तो गाइस एक पार्क बना हुआ है, मैं पार्क भी घूम लेता हूँ ये, हालाँकि मैं पहले भी आया था इस पार्क में आज, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्राउड है इसमें क्योंकि आज थोड़ा सा वेदर जो हो रहा है ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। तो ये पार्क भी देख लिया मैंने, कुछ ज़्यादा भी मज़ा नहीं आ रहा है हालांकि लोग बैठे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ अभी 2-5 घंटे यहीं पे बिताकर उसके बाद फिर यहाँ से मैं निकलूँगा, और जब थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तभी यहाँ से जाऊँगा, तब तक का मस्ती करता हूँ इस एरिया में। ट्रेन घुमा रही है कुछ बच्चों को, यहाँ पर काफ़ी सारे शोरूम्स बने हुए हैं यहाँ पर, तो इसके अंदर चलते हैं घूमने के लिए। अभी इस शोरूम के अंदर आपको हर तरह के स्पोर्ट्स का कोई भी सामान XYZ सब मिल जाएगा, मैं दिखाता हूँ आपको भी, जिम से लेकर के बॉटल सभी कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पर, देखिए सब कुछ मिलेगा, जैकेट्स, ये अच्छी जैकेट देखिए 999 रुपये में, ये सारा जिम वगैरह का सामान भी है, डंबल रॉड वगैरह भी हैं। ये रॉड वगैरह भी मिल रही है यहाँ पर, डंबल्स भी हैं, और इधर ये मतलब जिम का भी सारा XYZ सामान यहाँ से ले सकते हैं, ग्लव्स वगैरह भी हैं, तो यहाँ सारा स्पोर्ट्स का सामान है। ये स्केट्स रखे हुए हैं यहाँ पर, बॉक्सिंग का सामान भी है।
हुआ है इसे शोरूम के अंदर, मॉल के अंदर एक तरह से मॉल ही है काफ़ी बड़ा, तो आखिरी वो के लिए ट्राई मतलब उसको ट्राई कर सकते हैं हम, जैसे ये सीन के रिल भी रखा हुआ है यहाँ पर, तो उसको ट्राई करता हूँ मैं। I request mountain sports to attend this. Mountain sports to attend this. तो भाई सामने के सेक्शन में साइकिल रखी है, मैं उसको साइकिल को चला के देखता हूँ एक बार। एक साइकिल ये है 26,999 रुपये और ये है काफ़ी महंगी, मतलब 1,00,000 की साइकिल, 50,000, 30,000, 40,000 की साइकिल्स। जैसे ये है अभी 39,999। मैंने जो चलाई वो भी 1,00,000 की नहीं है, वो 34,999 रुपये की है जो मैंने चलाई थी, वो सामने खड़ी है। तो और कुछ देखता हूँ क्या क्या है इसके अंदर। तो ये है बास्केटबॉल का पोस्ट। तो गाइस इस एरिया में है कैंपिंग टेंट्स, तो इस कैंपिंग में, इस कैंप में अंदर देखता हूँ जाकर, सोकर देखता हूँ मैं भाई। अरे वाह मज़ा आ गया भाई, इसको खोलता हूँ। हाँ अभी ये चेयर है, चेयर देखो आप कितनी ज़बरदस्त है। और ये अंडे हैं नकली, इनको बॉयल करना है इसके ऊपर। अरे वाह क्या चूल्हा है ज़बरदस्त, सब कुछ बना हुआ है गाइस। अब इसके अंदर सोकर और देखता हूँ, ये वाला तो बंद है गाइस, मैं जाता हूँ इस वाले में, ये खुला है, इसके अंदर देखते हैं। अरे वाह गाइस, लाइफ में पहली बार मैं किसी टेंट के अंदर, मतलब कैंपिंग टेंट के अंदर लेटा हूँ, इसमें बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब मैंने सब कुछ घूम लिया फ्री में यहाँ पर। तो गाइस ये पिलो लग गया है, आराम से सो जाओ 1-2 घंटे, कुछ पता ही नहीं। तो गाइस सो जाता हूँ, अरे नहीं और चीज़ें घूमते हैं, बहुत चीज़ें हैं, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। लेकिन मुझे पता नहीं था इतनी अच्छी चीज़ें इसके अंदर मुझे फ्री में देखने को मिल जाएंगी, वरना मैं और जगहों से ज़्यादा यहीं पर आता। तो भी बाहर चलते हैं। एक कैंप ये है 7,000 इसकी कॉस्ट है, 7,499। अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको। अरे वाह लाइट भी लगी हुई है, बहुत अच्छा है ये, काफ़ी ज़्यादा, उससे ज़्यादा बेटर है। गाइस मैंने काफ़ी कुछ घूम लिया इसके अंदर और अभी यहाँ से बाहर चलते हैं। 3-4 घंटों का पता भी नहीं लगा, बहुत बड़ा बना हुआ है काफ़ी, वाकई में बहुत ज़्यादा बड़ा बना था। कुछ और चीज़ों को घूमूंगा यहाँ पर। फिलहाल गाइस मैं आ गया हूँ उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से काफ़ी बाहर और अब दूसरी चीज़ों को देखता हूँ जो बनी हुई है और यहाँ पर टैटू फैटू पता नहीं क्या क्या बना हुआ है। गाइस यह है यूनिक्लो, इसके अंदर भी घूमता हूँ क्या क्या है। यह है यूनिक्लो, वाकई में यूनिक्लो ही लग रहा था ये तो। इतने ज़्यादा स्वेटर और जैकेट, टी शर्ट्स, पता नहीं क्या क्या, स्वेटर जैकेट और ये बहुत ज़्यादा बिकने लग गए, क्या बात, इतनी सर्दी आ गई अभी। तो गाइस ये यूनिक्लो मैंने घूम लिया है, इसके अंदर सिर्फ कपड़े मिल रहे हैं जो कि मेरे बजट से बाहर है, मैं नहीं खरीद सकता हूँ और मुझे ख़रीदने भी नहीं फ़िलहाल अभी, तो ये मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ। अरे भाई गाइज मैंने काफ़ी कुछ घूम लिया यहाँ पर और अभी मैं यहाँ से घर की तरफ को जा रहा हूँ। तो फाइनली गाइज मैं घर पहुँच गया हूँ और सबसे पहले मैं मुंह धोऊंगा, उसके बाद मैं फिर रेस्ट करूँगा थोड़ी देर, उसके बाद निकलना है मुझे नैनीताल के लिए। तो पैकिंग वैकिंग सब एकदम ओके है, बैग रखा हुआ है, बैग उठाऊँगा निकल जाऊँगा, लेकिन अभी टाइम लगेगा, थोड़ी देर के बाद निकलूँगा यहाँ से क्योंकि अभी टाइम है। सो एसी मेरा ऑन हो गया लेकिन अभी कंप्रेसर का चालू नहीं है, कंप्रेसर चालू होने में 6 मिनट लगते हैं मिनिमम, मैंने आपको बता दिया ये नॉलेज में रखना। तो गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना, जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में।